हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन इन ए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म देखते ही उनकी रैंक्स बता सकें। इंडियन एयरफोर्स में रैंक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। कमीशन्ड ऑफिसर रैंक जो ग्रुप ए के इक्विवेलेंट है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स जो ग्रुप बी के इक्विवेलेंट है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक जो अदर रैंक्स में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन्ड रैंक्स की। इसमें आती है 9th हाईएस्ट कमीशन रैंक फ्लाइंग ऑफिसर, जिसकी पहचान ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप से की जाती है। इसके बाद आती है 8th हाईएस्ट कमीशन रैंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जिसकी पहचान 2 सेम साइज की ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप से की जाती है। इसके बाद 7th हाईएस्ट कमीशन रैंक स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर की पहचान 3 ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप से होती है, जिसमें सेंट्रल स्ट्राइप कंपेरेटिवली बाकी दो से थिन रहती है। इसके बाद आती है 6th हाईएस्ट कमीशन रैंक विन कमांडर, विन कमांडर की पहचान 3 ब्लू ब्लैक कलर की सेम साइज़ की स्ट्राइप से होती है। इसके बाद आती है 5th हाईएस्ट कमीशन रैंक ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन एक सीनियर कमीशन रैंक है, जिसकी पहचान 4 सेम साइज़ की ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप से की जाती है। इसके बाद आती है 4th हाईएस्ट कमीशन रैंक एयर कॉमोडोर, ये एक 1-स्टार रैंक है जो कि यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाया जाता है। इसकी पहचान ब्लू ब्लैक कलर की थिक स्ट्राइप के साथ होती है। इसके बाद आती है 3rd हाईएस्ट कमीशन रैंक एयर वाइस मार्शल, ये एक 2-स्टार रैंक है जो यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगते हैं। इसकी पहचान 2 ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप से होती है, जिसमें एक स्ट्राइप दूसरी स्ट्राइप से कंपेरेटिवली ज़्यादा थिक रहती है। 2nd हाईएस्ट कमीशन रैंक है एयर मार्शल, ये एक 3-स्टार रैंक है जो यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाए जाते हैं। इसकी पहचान ब्लू ब्लैक कलर की 3 स्ट्राइप के साथ की जाती है, जिसमें कि पहली वाली स्ट्राइप बाकी की 2 स्ट्राइप से ज़्यादा थिक है। अब आते हैं हाईएस्ट कमीशन रैंक एयर चीफ मार्शल पे, ये एक 4-स्टार रैंक है जो यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाए जाते हैं। इसकी पहचान ब्लू और ब्लैक कलर की 4 स्ट्राइप से होती है, जिसमें 1st स्ट्राइप बाकी की 3 स्ट्राइप से ज़्यादा थिक रहती है। अब हम बात करते हैं जूनियर कमीशन रैंक्स की। जूनियर कमीशन रैंक्स में सबसे पहली रैंक आती है जूनियर वारंट ऑफिसर, जिसकी पहचान नेशनल एम्बलम और ईगल बर्ड यानी कि गरुड़ से की जाती है। इसके बाद आते हैं वारंट ऑफिसर, इसकी पहचान नेशनल एम्बलम और ईगल बर्ड से की जाती है, जो कि एक थिन ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप के ऊपर होते हैं। इसके बाद आती है हाईएस्ट जूनियर कमीशन रैंक मास्टर वारंट ऑफिसर, इनकी पहचान एक थिक ब्लू ब्लैक कलर की स्ट्राइप के ऊपर नेशनल एम्बलम और ईगल बर्ड से की जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन कमीशन रैंक्स की। इसमें सबसे पहले आते हैं एयरक्राफ्ट मैन, इनकी पहचान एक ईगल बर्ड से होती है। इसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, इनकी पहचान ईगल बर्ड और 2-ब्लेडेड कॉपलर से की जाती है। इसके बाद आती है कॉरपोरल, कॉरपोरल की पहचान 2 सेवरॉन और 1 ईगल बर्ड से की जाती है। इसके बाद आती है हाईएस्ट नॉन कमीशन रैंक सर्जेंट, जिसकी पहचान 3 सेवरॉन और 1 ईगल बर्ड के साथ की जाती है। आई थिंक दिस वीडियो इज़ सो हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।